हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से क्रोसिया का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जो आप किसी भी, चाहे ब्लैंकेट, बेबी ब्लैंकेट बनाना चाहते हैं, या बेबी की कोई जैकेट बनाना चाहते हैं, या आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसमें ये डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद। देखते हैं, शुरू करते हैं अपना। तो मैं सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन बनाऊंगी। ये आप कितनी भी बना सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जितना आप बनाना चाहें इसको उतनी लंबी इसको बना सकते हैं। टू का मल्टीपल्स इसमें ले सकते हैं, मतलब के दो दो का जोड़ा हम इसमें ले सकते हैं और एक हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो अभी मेरा जो बनाऊंगी मैं, वो 21 मैंने बनाए हैं और ये मेरी चेन बनकर तैयार है। 21 क्रोचेट मैंने डाले हैं। अभी मैं बिना धागा फेरे बनाऊंगी, मतलब के सिंगल क्रोचेट से जो मेरी रो है, फर्स्ट रो वो बनेगी। फर्स्ट रो मैं ऐसे तैयार करूंगी, आप देख पा रहे होंगे। कहीं से आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा तो मैं बोलकर इसको बता दूंगी आपको, तो टेंशन मत लेना, वो समझ में सारा आ जाएगा आपको। ये लास्ट तक मैं ऐसे ही करूंगी, कहीं से हिल जाए तो, हो सकता है कई बार कैमरा हिल जाता है तो आपको ना दिखाई दे, लेकिन ये लास्ट तक मैं बिल्कुल ऐसे ही जाऊंगी सिंगल क्रोचेट से, बिना धागा फेरे। मतलब ये देखिए, ये आप देख पा रहे हो, ये मेरी फर्स्ट रो बनकर लगभग तैयार है। ये देखिए, मेरी फर्स्ट रो लास्ट तक बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं 3 क्रोशिया बढ़ाऊंगी। 3 मैंने बढ़ा लिए हैं और मैंने इसको दूसरी तरफ फेर लिया है, मतलब क्योंकि हमें फिर से चलना है। अभी मैं तीसरे क्रोशिया जो है उसमें मैं धागा फेर के मैंने डाला है। और अभी ये देखिए, इसके जस्ट साइड में ही, पहले वाले में मैं 3 बार, लेकिन बिना निकाले धागा मैं फेर रही हूँ, लेकिन उसमें से निकाल नहीं रही हूँ। ये देखिए, धागा फेर रही हूँ और मैंने ऐसे कर 3 बार अपना जो डिज़ाइन है ये डाला है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ये ध्यान देना, किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का ढीला होता है, लेकिन किसी डिज़ाइन में जो टाइट हैंड रहता है, टाइट हाथ रहता है, उससे अच्छा बनता है, किसी में ढीला। तो इस डिज़ाइन में हमें वैसे तो चाहिए ढीला हाथ, क्योंकि हमें कई में से निकालना पड़ता है, तो वो फिर मुसीबत हो जाती है उसमें से निकालना। अभी मैंने फिर से वही किया है कि तीसरे में धागा फेर कर मैंने निकाल लिया है, और उससे जस्ट पहले वाले में, जिसमें से मैंने निकाला था उससे जस्ट पहले वाले में मैं अभी फिर से धागा फेर के, लेकिन तीनों को इकट्ठा धागा फेर रही हूँ और 3 अपने क्रोशिया कर रही हूँ, और फिर साथ में से, मतलब कि हमारे, ये देख लो कि 9 जो है ये मेरे उसमें धागे हो जाते हैं, और फिर मैं उसमें से एक बार निकालती हूँ, फिर एक बढ़ाती हूँ, और फिर से मैं तीसरे में जाकर धागा फेर के फिर से कर लूँगी। ये तीसरे में जाकर धागा फेर लिया है, ये देखिए मैंने निकाल लिया, 2 बार मैं निकाल लेती हूँ धागा फेरने के बाद। अभी फिर से मैं उससे पहले वाले में ही डाल रही हूँ, और ये देखिए अभी जस्ट धागा फेर के मैं वापस से उसमें निकाल लूँगी। मैं पूरा उसको नहीं बना रही हूँ पहले, क्योंकि मैं 3 इकट्ठे उसमें से होने के बाद और फिर से धागा फेर के उसको निकालती हूँ। यहाँ पर उलझ गया था थोड़ा सा, ये देखिए
ये ऐसे हमारा लास्ट तक चलेगा। फिर मैं एक बढ़ा लेती हूँ जब मेरा निकल जाता है, तो फिर से मैं तीसरे वाले में जाऊँगी। ये देखो तीसरे वाले में, इससे जस्ट पहले वाले में मैं फिर से डाल रही हूँ धागा फेर के और निकाल रही हूँ, लेकिन मैं उसको जस्ट इसमें से निकाल रही हूँ नीचे वाले में से, ऊपर धागा फेर के मैं उसको पूरा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं मुझे ऐसे तीन बार करना है। ये देखिए ये मेरा डिज़ाइन है जो बनकर तैयार हो रहा है। थोड़ा सा मुश्किल से निकल रहा है, क्योंकि एक बार मैं तीन बार उसी में से निकाल रही हूँ और इतना सारा इकट्ठा हो जाता तो थोड़ा सा मुश्किल है, और इसलिए मेरा हाथ भी हिल रहा है। आज की वीडियो शायद आपको ज़्यादा हिलती भी दिखाई दे रही होगी, तो इसलिए मैं आपको बोल बोल के अच्छे से बता रही हूँ। तीसरे में मैंने फिर से डाला है, देखो, और फिर से मैं इससे पहले वाले में जिसमें मैंने डाला उससे एक पहले वाले में ही मैं जो डिज़ाइन है वो बना रही हूँ। डिज़ाइन क्या है कि हमारा एक में से हमें तीन बार निकालना है और धागा फेर के निकालना है, लेकिन जो फाइनल है वो मैं इनके इकट्ठा होने के बाद निकालती हूँ, तीनों के इकट्ठा होने के बाद जो क्रोशिया है वो बढ़ाती हूँ। ये देखो वो सब में इकट्ठा निकालूंगी, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि मेरा जो हाथ है वो थोड़ा टाइट है और इस डिज़ाइन के लिए जो हाथ चाहिए वो थोड़ा ढीला चाहिए। ये देखिए ये मैं लास्ट में पहुंचने वाली हूं बस। ये देखिए आप देख सकते हैं इसको, ये लास्ट तक ऐसे ही जाएगा। मेरा बनकर लगभग तैयार है। ये देखिए सारा मैं इकट्ठा निकाल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैंने बता दिया है, क्योंकि इसमें मेरा हाथ थोड़ा ज़्यादा हिल रहा था इस डिज़ाइन में। ये मैं फिर से आपको तीसरे में डालकर दिखा रही हूँ, और इससे अभी पहले वाले में एक और हमारा डिज़ाइन डल जाएगा। ठीक है ना, ये देखो हो गया है मेरा। अभी मेरा फाइनल एक बचेगा, उसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, जस्ट धागा बढ़ा के और यहाँ कर लूँगी, नहीं तो मेरा छोटा बड़ा हो जाएगा, नीचे से बड़ा रहेगा ऊपर से छोटा होता चला जाएगा, तो लास्ट हमारा एक हमेशा ऐसे ही आएगा लास्ट तक। अभी मैं फिर से तीन बढ़ाए हैं मैंने और मैंने घुमा लिया इसको। अब इस फर्स्ट वाले होल को छोड़कर सेकेंड वाले होल में मैं धागा बढ़ा के डाल रही हूँ, और जो मेरा डिज़ाइन है ये अब फर्स्ट वाले होल में धागा बढ़ा के ऐसे ही मैं तीन फिर से घुमा घुमा के धागा बढ़ा के और तीन बार डाल के तीनों में से एक बार निकाल रही हूँ। ये देखो आपको क्लियर दिख रहा है इसमें, तो ठीक है एक बच जाता है हमारा, एक बढ़ा लिया है मैंने, एक छोड़कर फिर से एक छोड़कर एक होल में नेक्स्ट होल में मैं
धागा बढ़ा के मैंने कर लिया है। अब जो मैंने छोड़ा था उसी होल में मैंने फिर से अपना डिज़ाइन है जो जो तीन तीन मैं कर रही हूँ ये डिज़ाइन करती जाऊँगी कुछ ऐसा। ये देखिए देखिए मेरे से मुश्किल से निकल रहा है क्योंकि मेरा हाथ टाइट है, तो आप थोड़ा सा लूज रखिएगा अगर आपसे रखा जाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट तक थोड़ा सा बनने के दो चार जब हम रो बना लेते हैं तो हमारा हाथ है उसके अकॉर्डिंग चलने अपने आप लग जाता है। लास्ट तक मेरा हाथ अच्छे से चलने लग गया था, कोई दिक्कत नहीं था, जल्दी बन गया था क्योंकि ये मोटा डिज़ाइन है तो बनता भी जल्दी है, ऐसी बात नहीं है, जल्दी पूरा होता है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन तभी मिलेगा कि क्योंकि मेरे व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो मुझे सब्सक्राइब भी किया करो मेरे चैनल को क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे इतने लोग जो है मेरी मेहनत को देख रहे हैं, और बहुत मेहनत होती है आप लोगों को तो पता ही है। तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके भी बता करो, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, अच्छे से क्लियर नहीं होता कई बार, कैमरा है भाई और हाथ भी हिल जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता करो ताकि मैं इसमें और इम्प्रूव करूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो क्योंकि आप लोगों का इसमें कुछ जाता नहीं हो और हमें इससे मोटिवेशन मिल जाता है। ये देखो मैं लास्ट में पहुंच गई हूँ, ऐसे करती करती एक होल छोड़ा है, अगले में डाला है, फिर जो होल छोड़ा है उसमें मैंने डिज़ाइन तैयार किया है तीन तीन वाला, और जो ये लास्ट का है इसमें मैं धागा फेर के बस और ऐसे ही कर देती हूँ। ये देखो ये मेरा कुछ डिज़ाइन है जो ऐसे दिखेगा, दिखाऊँगी मैं आपको। अभी फिर से तीन बढ़ा लिए हैं मैंने और मैंने इसको घुमा लिया है, अभी पहले वाला होल छोड़कर दूसरे वाले में किया है मैंने धागा फेर के, और जो पहले वाला जो होल मैंने छोड़ा है उसमें से मैं अपना जो डिज़ाइन है वो डाल दूँगी। ये देखिए हो गया मेरा तैयार। अब इसको जितना भी बड़ा आपको बनाना है कुछ भी आप इससे बना सकते हो। देखो ये ऐसे कुछ आपको दिखेगा, ये एक जो रो है वो लेफ़्ट जा रही है, एक जो रो है वो राइट तरफ जा रही है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है ये बनने के बाद। ये देखो मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ये देखो कितना अच्छा आपको दिखेगा। अभी मैं दिखाती हूँ क्लोज थोड़ा सा, ये देखो एक लेफ़्ट की तरफ जा रही है एक राइट की तरफ जा रही है, तो जो हमारा डिज़ाइन है कुछ ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।